बिक्री हो। तो आप देखेंगे अगर ठेठ देहात में जाकर तो कहीं टंकी बन रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं पाइपलाइन बिछ रही है। तो ये योजना जब पूरी हो जाएगी तो मुझे लगता है कि जो नारी शक्ति है और जो माता बहनें हैं उनकी सुविधाओं में बहुत आसानी होगी। वरना पानी आप कितना दूर से लाते हैं, हैंडपंप से लाते हैं, कुएं से लाते हैं, कुएं सूख जाते हैं, कई बार नदियों की तरफ से लाते हैं, तो उसमें स्वास्थ्य भी है और उसमें जीवन की बुनियादी आवश्यकता, बिन पानी सब सुन बोलते हैं, वो भी है। और इसके साथ ही साथ यदि पानी का अगर संरक्षण होगा तो कहीं ना कहीं पूरे इकोसिस्टम को भी फायदा होगा, पेड़ पौधों को फायदा होगा, दूसरे जीव जंतु उनको भी फायदा होगा, कृषि को भी फायदा होगा, ये भी नजर आ रहा है इसमें। मुझे लगता है कि ये पूरा अपने आप में बहुत बड़ा मिशन है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 के अंत तक इसको हर घर तक ले जाना है। उसमें राजस्थान में कुछ काम तो धीमा हुआ था विगत 5 सालों में, जिस प्रकार की सरकार ने काम किया राजस्थान की उसमें तो इतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब बहुत तेजी से काम होता हुआ नजर आ रहा है।